नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। मैं हूँ देवेंद्र और आप देख रहे हैं देवेंद्र ब्लॉग्स चैनल को। तो फाइनली दोस्तों, कई लोगों का कमेंट आ रहा था, जैसे कि मैं वीडियो अपलोड किया था उज्जैन का, तो कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई कम से कम पैसे में और कैसे मतलब वहाँ पे टूर कर सकते हैं, कितना खर्चा लगने वाला है, क्या कैसा है, सब कुछ आप यहाँ पे जानकारी दो। तो मैं सोचा कि अलग से एक वीडियो ही बना के आपको जानकारी दे देता हूँ कि कुल कितने खर्चे लगते हैं, कहाँ से कहाँ जाएं और कम पैसे में आप कैसे घूम सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल में है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ बता दें कि आपको यहाँ पहुँचने के लिए क्या सुविधा सही रहेगा, तो आपके अनुसार है कि आप किस में से आना चाहते हैं। जैसे आप आना चाहते हैं बाई ट्रेन से, तो यहाँ तक के लिए ट्रेन चारों तरफ से आप आती है। जैसे आप अगर जबलपुर से जाना चाहते हैं, मुंबई से आना चाहते हैं, तो इंदौर इंदौर साइड से आना चाहते हैं, कहीं से भी अगर आना चाहते हैं, तो मंदिर से करीबन 2 किलोमीटर दूर पर ही रेलवे स्टेशन है, उज्जैन रेलवे स्टेशन। तो वहाँ से मंदिर से सॉरी स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने के लिए करीबन ऑटो वालों को 30 रुपये देकर आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर भाई आप फ्लाइट आना चाहते हैं, तो आपको उज्जैन में कोई हवाई अड्डा नहीं बना हुआ है, इसके लिए आपको इंदौर जाना पड़ेगा। इंदौर में है हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, वहाँ पे आपको उतरना होगा। वहाँ से फिर आपको बस या कार लेकर के यहाँ पे आना होगा। तो करीबन वहाँ से आपको अगर फ्लाइट से आते हैं तो आपका वो फ्लाइट का खर्चा और इसके साथ साथ से इंदौर के आने का खर्चा, इंदौर से आने का खर्चा करीबन से 100-200 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग सकते हैं। अगर आपको सड़क मार्ग से आना चाहते हैं, तो कई सड़क मार्ग उज्जैन से जुड़े हुए हैं, कई बस कई राज्यों से आते हैं, तो आप आसानी से यहां तक भी आ सकते हैं। और यहां पे 2 बस स्टैंड है यह उज्जैन में, तो आप बस स्टैंड से करीबन मंदिर की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर, अगर आप वहां से पैदल भी आना चाहते हैं तो पैदल आ सकते हैं। अगर ऑटो में आना चाहते हैं तो ऑटो का किराया मात्र 20 रुपये लगेगा, तब तक आप यहां पे आसानी से पहुंच जाते हैं। अगर आपको अपने बाइक की सहायता से अगर आना है, तो यहाँ तक कि सड़क काफ़ी अच्छी बनी हुई है। जैसे आप इंदौर से आते हैं तो करीबन 80 किलोमीटर दूर पे है उज्जैन। अगर कहीं से भी भोपाल से आना चाहते हैं और किसी स्टेट अगर अदर स्टेट से आना चाहते हैं, तो यहां तक आने के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा रास्ता का बना हुआ है, आप आसानी से आ सकते हैं। जैसे आप आएंगे तो उज्जैन जैसे पहुंचेंगे, मंदिर परिसर के कुछ ही दूरी पहले ही बाइक स्टैंड बनाया गया है, तो आपको बाइक स्टैंड पे करीबन 20 से 30 रुपये देकर आप बाइक वहाँ पे खड़े कर सकते हैं। अब सब रही बात यहाँ तक पहुँचने की, तो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे रुके कैसे, स्टे कहाँ करें और खाने पीने की सुविधा और कहाँ से कैसे मंदिर को घूमें। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, छिप्रा नदी है यहाँ पे, तो आप जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं, अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो आप होटल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कम पैसे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे आएँ तो कई आश्रम हैं, तो आप आश्रम भी जा सकते हैं। मंदिर के जस्ट निकट ही आश्रम, 2-4 आश्रम बने हुए हैं, जिसके कॉस्ट आपको बताएं 250 से 500 में आपको रूम रात भर के लिए रुकने को मिल जाएंगे मंदिर के परिसर के जस्ट बाहर। और अगर अब यह मंदिर के पास ही रुकना चाहते हैं, तो मंदिर का ही कुछ आश्रम टाइप में बने हैं, तो उसका किराया लगभग इस टाइम पे बढ़ चुका है, जब से कॉरिडोर बना हुआ है तो इसका किराया बढ़ चुका है, 500 से 700 तक में आपको मंदिर परिसर में ही मिल जाएगा। अगर आप होटल लेना चाहते हैं, आप अगर फैमिली के साथ हैं या कि और लोग हैं, तो आप अगर कॉस्ट ज़्यादा है आपका, तो आप होटल भी ले सकते हैं, तो होटल का किराया लगभग से 1000 से 1500 हो चुका है, क्योंकि जब से लोग ये कॉरिडोर सॉरी उज्जैन में कॉरिडोर बना हुआ है, तब से होटल का किराया महंगा हो गया है। आप बात करते हैं रुकने की, तो बात हो गई कि आप होटल ले सकते हैं, तो इसका किराया लगभग 500 से 1500 तक, आप जिस प्रकार से रूम लेना चाहते हैं आप उस प्रकार से आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप स्टे नहीं लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट आना चाहते हैं सुबह, अगर आप पहुंच जाते हैं और डायरेक्ट दर्शन करके शाम को लौटना चाहते हैं, तो आप कहाँ पे स्नान कर सकते हैं, तो आपको बता दें अगर आप यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं, तो आप मंदिर से करीबन 2 किलोमीटर दूर राम घाट है, जो कि छिप्रा नदी से
बहा है, तो आप वहाँ पे जा कर के स्नान कर सकते हैं। स्नान के दौरान वहीं पे ही कुछ फूल माला एवं प्रसाद लेकर के हम मंदिर परिसर के लिए आ सकते हैं। अब मंदिर परिसर अभी कुछ बन रहा है, इसके कारण सामान रखने के लिए निःशुल्क सुविधा नहीं है, पर जहाँ से अगर आप प्रसाद लेते हैं तो वहीं पे ही बैग आप रख सकते हैं। वहाँ पे अगर फोटोज वगैरह खींचना चाहते तो खींच ले, नहीं तो अभी तक मेरे हिसाब से चोरी सामान नहीं होता। आप जहाँ पे से प्रसाद लेते हैं वहीं पे आप सामान को अपने स्थायी रूप से रख सकते हैं। और सबसे पहले जैसे ही कोरोना काल चालू हुआ था तो बता दें कि आपको जैसे आपके पर्स मोबाइल हैं तो पहले अलाउड नहीं था ले जाने के लिए, लेकिन इस टाइम पे मैं जब गया था तो पर्स मोबाइल सब कुछ ले जाना अलाउड हो गया था, लेकिन बैग वगैरह अलाउड नहीं थे। तो बैग आपको बता दिए कि जहाँ पे आप प्रसाद लेते हैं वहाँ पे रख दें। इसके बाद से आप वहाँ से आगे जाएंगे जैसे, तो अब आपको दर्शन के लिए पहले दर्शन आसानी से मिल जाते थे, लेकिन आपको वीआईपी टिकट भी लेना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर भीड़ ज़्यादा रहता है तो वीआईपी टिकट का मतलब होता है कि कम लोग वहाँ से आपको अच्छे दर्शन हो जाएंगे। और अगर वीआईपी टिकट नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप लाइन पे लग करके वहाँ से भी आपको दर्शन आसानी से हो जाएंगे। तो वीआईपी टिकट का चार्ज है करीब 250 रुपये। अगर आप प्रॉपर तरीके से दर्शन करना चाहते हो, वहाँ पे छू के दर्शन करना चाहते हो, तो पहले 700 के लगभग पहले कुछ चार्ज होता था, लेकिन इस टाइम पे 1300 से 1400 रुपये का चार्ज हो गया है। तो आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो मात्र आपको 250 रुपये दे करके वहाँ पे आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं कि अगर आप वीआईपी नहीं भी लेते हैं तब पर भी आप थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद आप आसानी से यहाँ पे बाबा महाकाल का दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही बाबा महाकाल का दर्शन करने के पश्चात और आपको जैसे ही बाहर निकलना है तो बाहर निकलेंगे, जैसे ही छोटे छोटे कई मंदिर बनाए गए तो वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इस टाइम पे उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर आप डे में दर्शन करना चाहते देखना चाहते हैं तो डे में भी देख सकते हैं, अगर डे में नहीं देखना चाहते तो नाइट में करीबन 6 बजे से जो लाइटिंग उसका होता है जो चालू हो जाता है, जैसे आपको वीडियो में देखता होगा कि इस प्रकार से ये कॉरिडोर ही है। तो आप यहाँ कॉरिडोर को नाइट में देखेंगे तो और ही अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे अगर आपके पास टाइम बचता है दिन में तो आपको दिन में ही अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको यहाँ से बाहर निकलना है और ऑटो वालों को 50 रुपये देकर आप भैरव बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आप उज्जैन आए हैं तो एक बार जा कर के भैरव बाबा का दर्शन जरूर से ज़रूर करें। जैसे ही भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए जाएंगे वहाँ करीबन 1-2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे दर्शन करने के बाद पश्चात आप आ जाइए आप दर्शन के लिए कॉरिडोर। अब कॉरिडोर पे दर्शन के पश्चात अगर आपको भूख लगती है तो आपको होटल का खर्चे भी बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे खाना वगैरह मिल जाते हैं। तो आप जैसे ही मंदिर परिसर के बाहर जाएंगे राइट साइड में जो पहले का जहाँ पे गेट था वहाँ कई होटल बनाए गए हैं, यहाँ पे आसानी से 120 से 200 रुपये तक में आसानी से आपको थाली मिल जाते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड है वहाँ पे आपको फ्री में खाना मिलता है, लेकिन फ्री में खाना थोड़ी अच्छा खाना नहीं रहता, लेकिन आप होटल से खाना चाहते हैं तो 120 रुपये थाली से लगभग 150 रुपये के थाली तक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। और टाइम टाइम पे यहाँ पे भंडारे भी होते रहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे खा पी सकते हैं। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि जैसे ही आपको फिर से अगर रेलवे स्टेशन जाना होगा, अगर रात हो जाता है तो यहाँ पे ऑटो वाले आपको परेशान करेंगे, तो आप आसानी से ई रिक्शा इस टाइम पे बैटरी वाला जो चलता है उससे संपर्क करके आप आसानी से फिर से उतने ही किराए पे आप बस स्टैंड या कि रेलवे स्टेशन आप पहुंच सकते हैं। अब रेलवे स्टेशन से आप अपने घर की ओर आसानी से जा सकते हैं। अब यहाँ तक के आने का खर्च की बात आप समझ भी गए होंगे कि कितना खर्च लगता है और कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इस कोई अगर आपका दोस्त अगर कोई भाई को जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा महाकाल की। कौन आ रहे हो? ये कुछ भगवान, और यहाँ से आप दे सकते हैं।